अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, और उन दो वेरिएबल्स को जब आप सॉल्व करते हैं, उन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर का मतलब ये है कि उसमें उन वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, डिग्री का मतलब है कि जो उसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यानी एक्स और वाई जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो डिग्री है, डिग्री का मतलब उनकी जो पावर है वो एक होगी। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास वो जो वेरिएबल्स उन इक्वेशंस में यूज़ हो रहे हैं उनकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। सिमल्टेनियस का मतलब यह है कि अगर उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स, उनकी आप वैल्यूज़ निकालते हैं, और वैल्यूज़ निकालने के बाद जब आप दोनों इक्वेशंस में एट ए टाइम वो दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आंसर आपके पास जितना लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही राइट साइड पे होगा। अब इसको, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। एक होता है क्रैमर्स रूल, और सेकंड मेथड होता है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। यानी इसमें हम मल्टीपल इटरेटिव इन्वर्स लेके फाइंड आउट करते हैं, और ये आपके पास इजी मेथड होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, क्रैमर्स रूल। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.6 का, इसको मैं रीड आउट करता हूँ। इस इक्वेशन, ये एक्सरसाइज 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है, ये इन्हीं से रिलेटेड है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी इन्हीं को आपने सॉल्व करना है, ये मेथड यूज़ करना है या ये मेथड यूज़ करना है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर वो कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, यानी वो जस्ट कहता है कि सॉल्व करें, आपको वो मेंशन नहीं करता कि आप ये मेथड अप्लाई करें या ये मेथड अप्लाई करें, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस मेथड से यूज़ करें या इस मेथड से यूज़ करें। जब वो मेंशन नहीं करेगा तो फिर आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से जो इजी मेथड है वो आपके पास क्रैमर रूल है। लेकिन जब वो मेंशन करेगा कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल, तो फिर आपने क्रैमर रूल को यूज़ करना है, और अगर वो कहेगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, तो फिर आपने उसी से करना है। यानी मेंशन नहीं करेगा तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो जब वो मेथड मेंशन कर देगा कि आपने इससे करना है या इससे करना है, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर आपको उसी मेथड से यूज़ करना पड़ेगा, यानी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ये मैंने एक क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व किया है, आप मेथड जो भी अप्लाई करेंगे आंसर आपके पास सेम आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1, यानी आपके पास ये सेकंड पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें सबसे पहला काम क्रैमर के मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने मैट्रिसेस लिखनी है, ax और ay, यानी ये आपका सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला काम क्रैमर के मेथड में क्या करना है कि आपने मैट्रिक्स ax और ay लिखना है। मैट्रिक्स ए क्या होगी कि ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, यहाँ की क्या है एक्स वाई, यानी ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी है, दोनों में दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और दोनों की डिग्री 1-1 है। अब ए आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी कि इन वेरिएबल के जो कोफिशेंट होंगे, कोफिशेंट का मतलब है कि जो इन वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उन कोफिशेंट की मैट्रिक्स लिखनी है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशेंट मैट्रिक्स। तो ए आपके पास क्या होगा, इन वेरिएबल्स के जो कोफिशेंट है उनकी मैट्रिक्स लिखनी है। इस यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट 2, वाई के साथ कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1, इसी तरह इस एक्स के साथ 6 और वाई के साथ 5। तो पहला काम आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया, उसमें क्या करना है वेरिएबल्स के कोफिशेंट लिखने हैं, इसका 2, इसका 1, इसका 6 और इसका 5। उसके बाद आपने मैट्रिक्स ए एक्स लिखना है। अब ए एक्स कैसे लिखेंगे कि ए एक्स लिखने के लिए आप इसको इग्नोर कर देंगे, यानी इसको छुपा लेंगे। इसको छुपाने के बाद
सबसे पहला काम आपने ये थ्री वाले पहले लिखना है, और फिर उसके बाद जो वाई के कोफिशेंट हैं, इधर वाई का वन है और इधर वाई का फाइव। दोबारा देखिए ए एक्स कैसे लिखना है, ये इसको हमने छुपा लिया एक्स वाले वैल्यू, इसको पहले थ्री और वन आ गया, फिर इनके कोफिशेंट वाई का वन और वाई का यहाँ पे फाइव। फिर जब आपने वाई लिखना है ए वाई मैट्रिक्स, उसमें इसको छुपा लेना है। जब आपने ए एक्स लिखा था इसको छुपाया था, पहले इनको लिखा था, लेकिन जब आप ए वाई लिखेंगे मैट्रिक्स उसमें क्या करेंगे, पहले इसको नहीं लिखेंगे थ्री वन को, पहले आप इन एक्स के वेरिएबल्स को लिखेंगे, यानी यहाँ एक्स का कितना है टू और यहाँ एक्स का कितना है सिक्स, यानी इसको छुपा लिया हमने। इसको छुपाने के बाद एक्स का टू और इस एक्स का सिक्स, यानी टू सिक्स, और उसके बाद इसको छुपाने के बाद ये थ्री और वन ये वैसे आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैट्रिक्स ए ए एक्स और ए वाई, उसके बाद इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। जब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट हमें पता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये टेन माइनस लगा के सिक्स को वन से करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा फोर। उसके बाद ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट लें, ये फिफ्टीन माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर, इसको इससे करेंगे तो ये वन, तो आपके पास ये फोर्टीन आ जाएगा। फिर ए वाई इसका डिटर्मिनेंट लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस एटीन, तो आंसर माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। अब आपने पहला काम ए ए एक्स और ए वाई लिखने के बाद तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने इनको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक्स हम कैसे निकालेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है उसको ए के डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, और वाई कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही सिंपल, एक्स कैसे आएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई कैसे आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट 14 और ए डिटर्मिनेंट 4, तो ये कैंसिल होने के बाद ये 7 और ये कितना आ जाएगा 2, यानी एक्स की वैल्यू 7/2। इसके बाद ए वाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16 और नीचे ए डिटर्मिनेंट वो कितना है, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट है 4, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास -4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। अब ये एक्स और वाई की दो वैल्यूज आ गई, अगर आपने आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो आप यहाँ पर या इस इक्वेशन में यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और यहाँ वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो फिर आपके पास अगर इधर आंसर 3 है तो इधर की 3 आ गया है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। यानी ये आपने सॉल्व नहीं करना, अगर आपने तसल्ली करनी है अगर आपको क्वेश्चन सही है या गलत है, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे ये चेक कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ एक्स की जगह 7/2 पुट करूँ, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई की जगह कितना है -4 इज इक्वल टू 3, ये 7 प्लस -4 इज इक्वल टू 3, तो 7 - 4 3 इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो आपकी वह जो आंसर है एक्स और वाई का वो सही है। इसके बाद है इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। इसमें पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने वही मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखने हैं, इसका 2 इसका 1 इसका 6 और इसका 5 5, यानी ये मैट्रिक्स ए आ गया। उसके बाद आपने मैट्रिक्स एक्स लिखनी है, मैट्रिक्स एक्स क्या होगा कि ये वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी, यानी इन दोनों में वेरिएबल्स कौन सी यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, इनको आपने कॉलम वाइज लिखना है, मैट्रिक्स एक्स को एक्स और वाई। फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखना है, मैट्रिक्स बी क्या है कि ये इक्वल के राइट साइड में इक्वल के बराबर इक्वल के सामने जो नंबर्स हैं 3 और 1, इनको आपने कॉलम वाइज लिख देना है। दोबारा सुने, ए क्या है इन वेरिएबल के कोफिशिएंट,
की मैट्रिक्स, x क्या है ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, कॉलम यानी कॉलम में लिखना है इनको, और b मैट्रिक्स कौन सी है जो इक्वल के, यानी इक्वल के बाद आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, इनकी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस हिस्से को मैंने लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी इस पूरे हिस्से की जगह मैंने लिख दिया है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ए आपके पास ये है, एक्स आपके पास ये है, और इक्वल बी आपके पास ये है। अगर बी की जगह थ्री और वन रखते हैं तो ये आ जाएगा, और जब आप टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स, और वन को वाई से करेंगे तो प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। फिर सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स, फाइव को वाई से मल्टीप्लाई करें प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन। यानी इसी चीज़ का जो दूसरा नाम है, यानी इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए की जगह ये पुट करें, एक्स की जगह ये पुट करें, और इक्वल बी की जगह ये रखें, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आंसर यही, यानी यही वाली दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। तो इस चीज़ को हमने क्या लिखा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से अगर हम एक्स निकालें तो ये ए क्या है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। अब पहला काम ए एक्स इक्वल टू बी लिख दिया, और यहाँ से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, सारे क्वेश्चन इसी तरह करते हैं। तो ये इक्वेशन वन। इसके बाद आप क्या करेंगे कि बी तो है आपके पास, हमने ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये आपके पास था ए, इसका एडजॉइंट निकालें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इसका एडजॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों की जगह बदल दें, ये इधर चला गया इधर, और इन दोनों की साइंस अलामतें चेंज कर दें, ये अलामतें चेंज कर दें। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी इस ए का नीचे क्या ले लिया, डिटरमिनेंट 2165 इसका डिटरमिनेंट, ये वैसे आ जाएगा, और ये नीचे 10, दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस इन दोनों को, डिटरमिनेंट ऐसे निकाल दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस लगा के इन दोनों को, ये 10-64 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वन तो है, तो वन डिवाइड बाई यहाँ कितना बचेगा 4, तो ये मैंने लिख दिया 1/4, और साथ ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इस 1/4 को सभी से मल्टीप्लाई करें, 5 से करेंगे तो 5/4, माइनस 1 से करेंगे तो -1/4, और -6 से जब करेंगे यानी -6 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो -3/2 आ जाएगा। और जब इसको इससे करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कैंसिल होने के बाद 1/2 आ जाएगा। अब ये ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया है, इस ए इनवर्स की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर दें, यानी 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की जगह ये वाली उसकी मैट्रिक्स आ गई यहाँ पे, और ये बी, बी की जगह उसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ गया ये वाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को फर्स्ट कारण इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 को 3 से करेंगे 15/4 ऐसे, फर्स्ट को फर्स्ट कारण, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर 1/4 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट रहेगा, रो सेकंड आ जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस माइनस 3/3 9/2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं इसका और इसका पूरा आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 14/4 कैंसिल होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 7/2। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, ऊपर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, ये -9+1-8/2 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, -4, तो एक्स की वैल्यू 7/2 और वाई की वैल्यू -4। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ आप देख लें कि जब आपने क्रैमर के तरीके से किया तब भी आंसर सेम आया,
और जब मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से किया तो तब भी आंसर सेम आया है। तो आप जो भी मेथड अप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। इस मेथड में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का जीरो आ जाता है यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से अगर ए का मैट्रिक्स जीरो आ जाएगा तो फिर वो जो लीनियर इक्वेशन हैं उनका जो सोल्यूशन है वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब डिवीजन में ये चीज़ जीरो आ गई डिटर्मिनेंट तो इसका मतलब है वो चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 6 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी पहले हमने सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व किया था बाई क्रैमर्स रूल और बाई मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो हम इसके 8 टोटल पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो पहले 4 में से हमने एक पार्ट किया और आखिरी 4 में से भी एक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छठा लिखा है 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो पहले क्रैमर के तरीके से हम इसको करते हैं। तो क्रैमर के तरीके में पहला काम क्या करना है, ax और ay लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने हैं, इसका 4, इसका 1, इसका -3 और इसका, यानी 7 माइनस है और 7 कोई वेरिएबल कोई कोफिशिएंट नहीं है तो फिर 1 लेंगे तो 7 माइनस है तो -1 आ जाएगा। ये ए फिर ए एक्स लिखना है, ए एक्स कैसे लिखेंगे, इसको छुपा लें, इसको छुपाने के बाद पहले 9 और -5 और फिर इनके कोफिशिएंट इसका 1 और इसका -1। फिर आपने क्या करना है, ए वाई लिखना है, ए वाई के लिए इसको छुपा लें, यानी इसको छुपा लिया, पहले इसको लिखेंगे 4 - 3 उसके बाद 9 और -5 आ जाएगा। यानी जब इसको छुपाया था तो पहले इसको लिखा था, लेकिन जब आप ए वाई लिखेंगे जब इसको छुपाएंगे तो फिर पहले इसको नहीं लिखना, पहले इनको लिखना है 4 - 3 - 9 और 5। अब क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -4, यानी ये चीज़ आएगी -4 - लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस लगा के दरमियान में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब -3 को +1 से देंगे तो +-3 आ जाएगा। तो ये -3 यही -4 और -, यही -4 और -+3, तो ये आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। उसके बाद है ax, इसका डिटर्मिनेंट देंगे तो ये -9 मल्टीप्लाई होगी माइनस लगा के जब -5 को एक से देंगे तो ये -5 आएगा और दरमियान वाला इस तरह, बिल्कुल दरमियान वाला माइनस और -5 ये क्या हो जाएंगे +5, तो बाकी आंसर -4 आ जाएगी। इस तरह इसका -20 जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये -23 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, दरमियान वाला माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, इसका 7 आ जाएगा। इसके बाद x कैसे निकालेंगे, ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ax का -4 है और इसका -1, ये दोनों कैंसिल होगी 4 और 1 आंसर क्या देगा 4। इसके बाद y निकालेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए वाई कितना है 7 और a कितना है -1, तो ये ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी 7 और 1 का आंसर 7 और प्लस माइनस का आंसर माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7। अब अगर आप इसमें इसको यहाँ पे रखें या ऊपर रखें तो आंसर इधर 9 है तो इधर भी 9 आएगा। अगर आपने चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, अगर x की जगह 4 रखेंगे, x की जगह 4 रखें प्लस y की जगह रखें -7 = 9, ये 16 + -7 = 9, 16 - 7 = 9, इसका मतलब आपकी दोनों वैल्यूज सही हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। इसमें सबसे पहला काम ए लिखना है, 4 - 1 - 3 - 1, फिर x लिखना है वेरिएबल्स x और y, फिर b लिखना है = 9 और -5, यानी ये वाला क्या होता है मैट्रिक्स b। फिर हम इस सारे हिस्से को लिख सकते हैं, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था पहले दूसरा पार्ट उसमें ax = b,
यहाँ से हम एक्स इक्वल टू क्या निकालेंगे, ए दूसरी साइड पर जाके क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी। अब आपने क्या करना है, बी आपके पास है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए था इसका एडजॉइंट, इन दोनों की जगह बदल दें और इन दोनों की अलामतें, ये माइनस हो जाए ये प्लस। नीचे क्या लेना है, ए का डिटर्मिनेंट, ये ए है और नीचे इसका क्या आ गया डिटर्मिनेंट, ये वैसे आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 को माइनस 1 से तो माइनस 4, माइनस 3 और वन मल्टीप्लाई तो माइनस 3 और दरमियान वाला माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो बाकी इधर क्या हो जाएगा माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस बताया, तो प्लस माइनस एंड पे आंसर क्या आ जाएगा माइनस, यानी नीचे वाला माइनस ऊपर प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो वन बिकम्स वन इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की जगह ये आ गया और बी की जगह ये उसका मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को फर्स्ट का वन को नाइन से देंगे तो नाइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस माइनस वन को फाइव से लिख करेंगे तो फाइव, फिर सेकंड को फर्स्ट का रहा इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तीन मल्टीप्लाई बाई नाइन साइज, फिर माइनस माइनस प्लस चार और पाँच को देंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसका आंसर 4, यानी इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 का आंसर 4 और इसका क्या आ जाएगा माइनस 7। इसमें यानी x इसकी जगह दोबारा लिख सकते हैं, इस x की जगह एक्स वाई, यानी ये वाली चीज़ ये आ जाएगा एक्स वाई, यानी यहाँ पे x की जगह उसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एक्स वाई लिखने इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस 7, तो ये दोनों इक्वल है, तो फर्स्ट फर्स्ट इक्वल सेकंड सेकंड इक्वल, यहाँ से एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस इक्वल टू माइनस 7, तो इसमें भी आंसर यही आया था और इसमें भी आंसर यही आया था। तो हम इस तरह बाई मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और बाई क्रैमर रूल इससे भी पूछा जाए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और पेपर में इस क्वेश्चन में से यानी लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है इस मेथड से, ये इससे लाजमी आपके पास एक क्वेश्चन।